स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की योग्यता का इम्तिहान है और साथ ही साथ हमारी भी परीक्षा है। ये हमने आप सबको पिछले एक साल में जो ट्रेनिंग दी है वो सफल हुई है या नहीं। सो कम ऑन, प्ले लाइक चैंपियंस, ओके? ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, आज तुम्हें यह साबित करना है कि स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स के मैदान में सबसे आगे रहने वाले बच्चे हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? ये लड़की आपके साथ? जी, हमारे साथ। का चक्कर है किशोरी, अपने बिटुआ के सर में आधा लीटर तेल डाल दियो, हमारी रोटी में आधा चम्मच घी नहीं। कभी कभार हमारी भी सेवा कर लिया करो। भाड़ में गई तुम्हारी सेवा? तो के पास फुर्सत है क्या भैया जी की सेवा से? सारा दिन कुत्तन के जाते उके आगे पीछे डोलत रहे। हमारे कलेजे में आग लगत है जब से हम देखत है वो भिखारी गाँव वाले भिकारी लोग सारा दिन पटाके छोड़त रहे, फुलझड़ी जलाते हैं, अनार जलाते हैं, और हमरे छगन में उनके पास एक पटाका नहीं। ऊपर से कह दो कि रोटी में घी ना ही चुपड़त है। क्यों ऊपर चुल्लू भर पानी में जाके गंगा मैया में मुंह धो के आओ। माई बेलन क्या हो? राम लाखन भैया। राम राम। राम राम किशोरी भाभी। राम राम कस्तूरिया। अरे ये साड़ी तो तुम पर बहुत ही जच रही। ऐसा नाना हुआ? अरे हम थोड़ा बिजी हैं, का है ना अपना जेवरात थोड़ा चमका रहे। हम थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेंगे, वो तो का है ना कि हमका थोड़ा तेल चाहिए। अब तेल कहाँ है घर माँ कस्तूरिया? जरा मरा पड़ा था तो दिवाली का दिया जला लिया, अब बाकी जो बचा बबुआ के सर में डाल दिया। तेल ना है घर में। ठीक है, कोनो बात नहीं। अरे हम तो भूल ही गए, अरे ये हम लाए थे हमरे छगनवा के लिए। पटाखा ऊंचा फोड़ेगा तो खुश हो जाएगा। भाई ये तो चाहिए था हमका। अब तो को तो हर चीज चाहिए। अब ठीक है, अब काकी लाई है तो ले लो। तेल नहीं है तो कोनो बात नहीं। रुक रुक कस्तूरी, हम जरा भीतर जाके देखते हैं, कुछ रहेगा तो लाके देते हैं तुझे एक दो। अभी ला, रुक इधर लग दे। अब घर में तेल की खाई को ना मिलत है तो ससुरा भेजा सूख रहा है। वैसे में चाबी नहीं भूली तो का हुई? ले तेल। अब तेल कितना महंगा हुईगा बा वो तो पता है ना तो का? और तू जो पटाखा लाई रही वो तो मुफ्त में ही लाई रही ना सब। अरे किशोरी भाभी, ये तेल का तो कौनो मोल नहीं है और वो फटाके वा भी नहीं। मोल तो है
हमरी छगन की खुशी का। ये देखो कैसे दांत निकाल के मुस्कुरा रहा है। किशोरी, छगनवा, हमरी चाबी, किशोरी, ए छगनवा। चोरू का मायका एक इशारा है, उसका पैसा उकी रखेल को जाते उधमपुर मा। अरे हाँ किशोरी भाभी, हम तो पूछना ही भूल गए, तोरा मायका उधमपुर में है का? अरे का उधमपुर, उधमपुर तो हम पहली बार तो का मुझे सुन रहे हैं। अरे लोग भी ना काका बोले थे, हमको कोई बता ही रहे कि तोरा मायका जो है उधमपुर में है। ए कसूरी, तो अभी तक यही है तो कुछ? बस बस बस, ये तो हमसे बतिया ही रही है, पर तुम काहे वापस आ गए? इतना सब खिला पिला के तो भेजा था बाहर। वो हम अपनी फटफटिया की चाबी ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढ ले ना, कौन मना कर रहा है। चल बेटवा, घी से रोटी खिलाऊ अपने बेटा को, चल खाना खिला दू बेटा को, घी डाल के। राम राम। उधमपुर की क्या बात हो रही थी? वो कहा है ना लाखन भैया कि हमारी बहन जो है वो उधमपुर में ब्याह के गई, तो हमका का लगा कि तोरी जोरू जो है उका मायका भी उधमपुर में है। माई तुमको तो मालूम है कस्तूरिया कहाँ गई है? इमली यहाँ कहाँ गायब थी तुम सवेरे से माँ बेटी है? और तोरी माई कहाँ है? हमका कुछ नहीं पता, माई जब आई है ना तो गायब पूछ रहे हो। देखा तो माई, शुक्रिया और इमली दोनों अपनी माई की भक्त हैं, हमसे तो कौनो प्यार ही ना करे है। बापू हम करे है ना प्यार तो को? इमली है हमारी प्यारी बिटिया, हमरे दिल का टुकड़ा है ना? अब बता तोरी माई कहाँ गई है? हम ना बता सकते बापू। ठीक है तो हम तो को प्यार भी ना करी, चल बा। मन नहीं, हम कुछ नहीं बताए। बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही कस्तूरिया तू, अब तू ही बता दे कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे। ये समझ लो चकोरिया के बापू, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करत है ना तो चार चार रास्ते खोल देवत है। हमको अमरी चकोरिया के पास जाए का रास्ता मिल गवा। अरे का कहते बोरिया? पर माए लखन चाचा की फटफटिया पर हम ताजन कैसे बैठी है? वो तो बहुत छोटी है। लखन की फटफटिया? ये का कह रही है? लखन की फटफटिया कहाँ से आ गई बीच में? कस्तूरिया और भेजे में कछु है कि ना? हम तो को बोल दिए ना कि लखनऊ नहीं जा सकत, मतलब नहीं जा सकत। अगर कलेक्टर बाबू हमरे लिए पैसे भेजे और ई खबर हवेली में पहुंच गई तो का हुई है? हम सब मर जाएंगे। अरे कौनो नहीं मारते हमका, अरे हम पर थोड़ा भरोसा तो रखो। अरे कस्तूरिया तो पे भरोसा है लेकिन अपने भाग पे भरोसा ना है। ओहो चकोरिया के बाबू, कभी कभी तो सब बोला करो। अच्छा हमका ई बताओ कि हवेली में कौन है जो जाकर सारी खबर पहुंचावत है? बोलो कौन पहुंचावत है? लखन और उसके गुंडे पहुंचावत है, और कौन पहुंचावत है? हाँ तो ये समझ लो कि हमरे हाथ एक ऐसा हथियार लगवा है जो लखनवा का मुंह बार बार बंद कर सकत। का पहेली बुझा रही है, सीधी बात करना। बतावत है। अब माई इमली के कान जरा बंद कर लियो। काहे माई? अरे ये बच्चों की सुनने की बात नहीं है, कान बंद करो। और वो जो हथियार हमका मिला है ना वो है लखनवा का प्रेम चक्कर। तुमका पता है लखनवा है ना पितुरिया रखे हैं, हाँ वहाँ उधमपुर में छुप छुप कर उका पैसा भेजते हैं, और उसकी बीवी है ना उका कछु नहीं पता। उका पता चल गवा ना तो लखनवा का टेट हुआ दबा दे। इसकी जांच पड़ताल करे के वास्ते हम उका घर गए थे, और जब हम उसके सामने उधमपुर का नाम लिए तो उसकी सिट्टी पट्टी गुल हो गई। तोर मतलब ये है कि तू लाखन को धमकाए के उका मुंह बंद कर रहे हैं? हाँ, हम उका बड़ा बड़ा मुंह बार बार बंद करें। तू अपने स्वार्थ के लिए लाखन का घर उजाड़ी है? तू इतनी गिरी हुई बात सोच भी कैसे सकत है? हाँ हाँ हाँ,
बहुत भला आदमी है ना, अब घर में लुगाई है, बच्चा है और बाहर पितुरिया लाखत है, ये बड़ा पुण्य का काम है। बोलो कुछ भी हो, हम ऐसा वैसा कछु ना करिए। ये काहे नहीं बोलो चकोरिया के बाबू कि तुम्हें उड़ान भरने की साहस नहीं? हाँ नहीं है साहस, कहां से आई साहस, जो दिन पैदा हुए उही दिन पर काट दिए गए हमरे। तोरी समस्या हम जानत है भुवन, हाथी का बच्चा जब जंजीर में बांध के रहते हैं तो बहुत कोशिश करे छुड़ाएगी पर तोड़ नहीं सकत। अब जब हाथी का बच्चा बड़ा हुआ थे, उसका शरीर में शक्ति हुआ थे, तो वो तोड़त नहीं, काहे काहे की उसकी साहस तब तक खत्म हो जावत है और वो समझत है कि ये जंजीर उसका भाग है। हमारी चकुरिया साहस दिखाई तो उड़ गई। भाई एकदम ठीक बोला थे, ये जंजीर अगर आज नहीं टूटे तो कभी नहीं टूटे। भुवन सोच ले हो। आपू, सोच लियो ना। इसमें सोचे का कहा है, हम भी बाप है, अपनी बिटिया को कलेजे से लगाए को अम्मी तरबा देना। Boys on your mark. Get set. बेटा आप एक काम करो, वो सफेद पट्टी दिख रही है आपको, वहां से जाके देखो, वहां से अच्छा दिखेगा। जाओ सच में। जाओ जाओ जाओ। फासा 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 तुम बोल, बकअप 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 गाइस। अरे मुनिया रे, ऐसे तो ये लोग नहीं जीत सकते। अब हम कहीं कुछ करना पड़ी है। Thank you.
at her speed. कस्तूरिया देख तो कितना धूल जम गया बक्सा मां। याद है जब अपना ब्याह हुआ रहा तब तू लाए रही का कितना चमके था ना तब। सब तोहरी भूल है, जब से तू बौड़िया को ये घर में लाया तब ऐसे कहीं बाहर लेकर गया का? अरे मैं लेके गया है ना वो मठ पूजा मां। हाँ उड़ाओ उड़ाओ खूब खिल्ली उड़ाओ हमरी मिलके। लखनऊ लेके जा रहे हैं ना, अब खुशी मनाए लो। हम लखनवा जा रहे हैं, लखनवा जा रहे हैं, लखनवा 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 लखनवा। अगर हम जीते होते सब लोग तालियां बजाते। देखो पता नहीं अर्जुन सर तो बहुत गुस्से में हो गए। तुम कुछ मत बोलना समझी, एकदम चुप रहना। बकरी को अगर रस्सी से बांध कर ना रखें तो वो किसी के भी खेत में घुस जाती है। बेटा आपको अर्जुन सर बुला रहे हैं। अब खाओ
आदित्य,